हाँ हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं मतलब पार्क में, और मेरी स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं 2 हफ्ते की। स्पेन में कुछ ऐसा नहीं होता था, 2 हफ्ते की छुट्टियां नहीं मिलती थी, सीधा हमें मिलती थी गर्मियों में, लेकिन वो मिलती थी 2.5 महीने की। यहाँ पर मिलती है हमें 1.5 महीने की, लेकिन बीच में 2-2 हफ्ते करके हमें इस तरह की छुट्टियाँ मिलती है। यहाँ पर हमारी छुट्टियाँ थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर आपको सिटी का थोड़ा सा दिखाऊँ। जैसे कि आपको मैंने बोला ही था, यहाँ मैं इस वाले पार्क पर भी आऊँगा और आप लोगों को नज़दीक से दिखाऊंगा, तो मैं यहाँ आकर आपको नज़दीक से भी दिखा रहा हूँ। किसी और दिन हम आपको वो वाला एरिया भी दिखाएंगे, लेकिन आज हम इस रास्ते पे जा रहे हैं। तो गाइस, मैं वहाँ सामने से आ रहा था, उसके बाद मेरे को ये रेड लाइट इधर दिखी, तो मेरे को तो नहीं पता, यार मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे को तो लगता है ये जब वहाँ से कश्तियाँ आती हैं तो ये उनके लिए, तो मेरे को तो खैर नहीं पता, अगर आप लोगों को पता तो मेरे को ज़रूर कमेंट में बताइए। जैसे कि गाइस आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ, वैसे मेरा भी बैठने का बहुत दिल था लेकिन वो वहाँ पर बैठा हुआ तो मैं वहाँ बैठ नहीं सकता। खैर, यहाँ पर भी इसी तरह की एक और सीढ़ी है, लेकिन यहाँ पर झाड़ियाँ बहुत है तो मेरे को तो खैर डर भी लगता है। वहाँ पर देखिए, वहाँ पर ब्रिज टाइप है लेकिन वो अभी बंद कर रखा है, तो शायद हम वहाँ पर जा नहीं सकते, शायद सेफ्टी रीजन की वजह से। तब भी मैं आपको थोड़ा सा पास जाकर दिखा देता हूँ। वैसे तो यहाँ पर सारा जंगल है, लेकिन यहाँ पर कोई जैसे कि कश्ती वश्तियों के लिए होगा या फिर जंप मारने के लिए, मेरे को तो नहीं पता। ये वहाँ पर मीटर्स भी शायद लिखे हुए हैं, वो जो डंडा सा वहाँ पर बना हुआ है, ये इधर मीटर्स भी लिखे हुए हैं। खैर, यहाँ अभी तो ये बंद हुआ है, शायद सेफ्टी रीज़न की वजह से, या किसी टाइम पर खुलता होगा ये। वरना ये सीढ़ियाँ यहाँ से हम लोग ऊपर आए, यहाँ से हम लोग ऊपर आए। मैं तो जल्दी ऊपर इसलिए भी आ गया हूँ, मेरे को तो थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है ये कहीं वहाँ से कोई झाड़ियाँ वाड़ियाँ ना हो, तो झाड़ियाँ में से कोई कीड़ा वीड़ा ना आ जाए।
हम लोग कितनी प्यारी जगह पर आए हुए थे, मेरे को तो ये बहुत प्यारी लगी। तो गाइस अगर आपको भी इस तरह की और कंटेंट देखने में, तो इस तरह की खूबसूरत जगहें जो जर्मनी में बहुत सारी हैं, तो उसके लिए आपको हमें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।